तो ये आप टेबल एंड डायग्राम आप जब यूज कर टेबल डायग्राम यूज कर ही लेना अगर आपका फाइव मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन है तो ठीक है अब एक्सप्लेन द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिशिव मार्जिन यूटिलिटी एजम्शन मीन्स क्या होता है लॉ ऑफ डिम्रिशिव मार्जिन यूटिलिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब आपको लॉ ऑफ डिम्रिशिव मार्जिन यूटिलिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब आपको अब क्या है आपको समझना होगा क्या चीज अजम्पशन ठीक है बच्चे अजम्पशन क्या होता है मान्यता मानना अज्यूम कर लेना लाइक like मैं अपने घर से स्टूडियो पांच मिनट में आ जाता हूं आ जाता हूं ये तो पांच मिनट है बट मैं ये अज्यूम करके बोल रहा हूं कि अगर मुझे बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो तो अगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ तो मैं पांच मिनट आ जाऊंगा तो मैं ये जो कह रहा हूं ना बीच में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ तो तो वो मेरा एजमशन है अब मैं कह रहा हूं मैं घर से स्टूडियो फाइव मिनट्स में आ जाता हूं तो मेरे कुछ एजमशन हैं अगर बीच में कोई रास्ता बंद नहीं हुआ या कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ ये सारे मेरे एजमशन हैं जिसके ब्यापार मैं ये बात आपको कह पा रहा हूं कि मैं पांच मिनट में पहुंचाऊंगा तो ऐसे ही ये लो अप्लाई तब होता है जब कुछ चीजें आप अज्यूम करके चलें क्या अज्यूम करके चलेंगे मतलब कि ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पर ये लो अप्लाई होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो फर्स्ट है uh, पहले जो मेन मेन वो पढ़ लो कंजम्पन ऑफ रिजनेबल क्वांटिटी अगर आप रिजनेबल क्वांटिटी का करेंगे तभी ये लो अप्लाई होगा अगर आप एक रिजनेबल क्वांटिटी का नहीं करेंगे तो ये लो अप्लाई कैसे नहीं होगा बताता हूं मैं आपको बहुत तेज प्यास लग रही है और आप एक चम्मच पानी पियो सेटिस्फाइड तो होगा मतलब कि प्यास आपके और बढ़ जाएगी फिर अगला चम्मच पानी पियो अगले चम्मच सेटिस्फे कम नहीं मिलेगा ज़्यादा ही मिलेगा तीसरे मछ ब्याज बहुत ही लग रही है कभी ट्राई करना है yes. वन स्पून वाटर लेना सेकेंड स्पून से क्या कम हो जाएगा जादा जोर ज़्यादा मिलने लग जाएगा थर्ड स्पून से और ज़्यादा कंपेयर करना है अगर आप तो वन ग्लास वाटर को सेकेंड ग्लास वाटर से करो चलो आपके फेवरेट बहुत फेवरेट गाना है खाना आपके सामने आ जाए जो आपका फेवरेट है मम्मी ने वो बनाया हैं आप एक बाइट लेते हो कि सेकेंड बाइट से ही कम हो जाएगा सेकेंड फर्स्ट बाइट में तो टेस्ट आपका आना शुरू हुआ सेकेंड बाइट में तो आपका और मज़ा आएगा वो फर्स्ट चपाती को सेकंड चपाती से कंपेयर करोगे तब आपको डिम्रिशी नजर आएगा तो इसलिए एक रिजनेबल क्वांटिटी के कंजम्पशन को ही आप कंपेयर कर सकते हो एक स्पून वाटर एक बाइट चपाती इससे आप कंपेयर करोगे नेक्स्ट का तो वहां पर आपको लोअमिशी माजी यूटिलिटी का आपको एप्लीकेबल होता हुआ दिखेगा नहीं क्लियर है yeah. तो कह रहा है कंजम्पशन ऑफ रिजनेबल क्वांटिटी इट इज अज्यूम्ड दैट अ रिजनेबल क्वांटिटी ऑफ अ कॉमिटी इज कंज्यूम्ड फॉर एग्जाम्पल वी शुड कंपेयर एम यू ऑफ ग्लास फुल ऑफ द वाटर एंड नॉट ऑफ अ स्पून फुल इफ एसेंट इज अ गिवन वाटर इन अ स्पून देन एवरी एडिशनल स्पून विल द मोर यूटिलिटी सो टू होल्ड द लोट्रू क्लियर है बचे एक ग्लास वाटर को सेकेंड ग्लास से कंपेयर करेंगे आप और ये लोग का अप्लाई नहीं होगा कॉन्टिन कंजम्शन मतलब क्या है इसका आपने एक आइसक्रीम अभी कंज्यूम किया और एक आप कर रहे हो कल फिर आके मेरे पास में आए नेक्स्ट क्लास में कि सर आपने तो कहा था लॉ लो डिमनिशिंग माजा यूटिलिटी अप्लाई होगा मैं सेकंड आइसक्रीम खा के आया हूँ आज मेरे को तो आज उस दिन से ज़्यादा मजा आ गया तो वो तो आएगा ही क्योंकि आपने क्या करा गैप कर दिया yeah. आपको लगातार कॉन्टीसली कंजम्पशन करोगे तभी डिमनिशिंग नेचर दिखेगा ऐसे yeah. सुबह खाना खाया शाम को खाना खाओगे शाम को लोग ज़्यादा मजा आ रहा है मैं तो डिनर में क्योंकि आपने गैप कर दिया ना उसी टाइम आपका कंजम्पशन करोगे तभी लो अप्लाई होगा तो एजम्पन है क्या एजम्पन है कि कॉन्टीसली कंजम्पशन आपका होना चाहिए तभी वो लो के बारे में बात कर सकते हो इट इज अज्यूम दट द कंजम्प्शन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल वन आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग एंड अनदर इन द इवनिंग दैन द सेकेंड आइसक्रीम में प्रोवाइडेड इक्वल और हायर सेटिस्फेक्शन लेवल एज कंपेर टू द फर्स्ट वन क्लियर है बच्चे नो चेंज इन क्वालिटी क्वालिटी भी चेंज कर दोगे तो कहाँ से आपको डेम मार्ज यूटिटी दिख जाएगा है ना एक बार एक वो बिल्कुल बर्फ़ वाली आइसक्रीम खा ली आपने बर्फ वाले नहीं होती एक है जो रगड़ रगड़ के रहते हैं गोला वो खाया और अगली या फिर केसर पिस्ता खा रहे हो बोलो सर ये तो आपने कहा था दूसरा लेते ही आपको मजा कम आएगा तो मेरा मजा और आने लग रहा है क्योंकि आपने क्वालिटी चेंज कर दी आपको सेम क्वालिटी को कंपेयर करोगे आप तब आपको सर्टिफिकेशन लेबल डिमनेशिक नेचर का नज़र आएगा ठीक है तो क्या कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ अ कॉमेटी कंज्यूम इज़ अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा होना चाहिए ठीक है सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम विद द नट्स एंड टॉपिंग में गिव द मोर सेटिस्फेक्शन लेवल दैन द फर्स्ट वन इफ द फर्स्ट आइसक्रीम वॉज द विदाउट नट और टॉपिंग क्लियर है बच्चे सज माया क्लियर है उसके बाद एक बच्चे होते हैं इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज मिन क्या है आपने कहा ठीक है सर अब आपकी सारी बात मानते हैं क्वालिटी भी चेंज नहीं करूंगा क्वांटिटी भी पूरा प्रॉपर ले करके कंपेयर करूंगा और कॉन्टिनसली भी कंजम्पशन करूंगा फिर भी लो मेरा अप्लाई नहीं हुआ जो आपने सिखाया मैं मतलब आप क्या हो गया भाई अब क्यों नहीं हो रहा है जब करके दिखाओ कैसा मुझे तो पहले ज़्यादा मज़ा आ रहा है मैं दिखाओ कैसे आ रहा है यार आप लगातार भी कंज्यूम कर रहे हो पूरे यूनिट का भी कंजम्पशन कर रहे हो क्वालिटी भी चेंज नहीं कर रहे हो फिर कैसे हो सकता है लो तो अप्लाई होगा ही हो होगा कैसा नहीं हो रहा है मतलब कैसे आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम किया आप मैं वेट कर रहा हूँ सेकेंड में देखो कम मजा आएगा ईमानदारी से मैं कसम खिलवा के पूछूंगा आपने फिर एक मिर्ची खाई आप एक दूसरी आइसक्रीम खा रहे हो दूसरे में जाए ज्यादा मजा आएगा भाई आपको क्योंकि अब आपका सेकेंड आइसक्रीम जो है इंडिपेंडेंट कंजम्पशन नहीं है वो डिपेंडेंट हो गया और जो चिल्ली आपने लिया है उसके बजाय सेटिस्फेक्शन मतलब आपका बढ़ गया है तो इंडिपेंडेंट कंजम्पशन होना चाहिए आपका क्लियर है बच्चे समझ में आया एंड आपके लास्ट रैशनल कंज्यूमर रैशनल कंज्यूमर हाँ रियल लाइफ में तो वैसे ऑर्डिनल कंसेप्ट फॉलो किया जाता है लेकिन इसको so कार्डिनल हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कार्डिनल दिखा रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर सिमिलर यही चीज़ पढ़ेंगे यही सब पढ़ेंगे हम कंज्यूमर इक्वरियम पढ़ेंगे सब कुछ यही पढ़ेंगे बट वो हम ऑर्डिनल अप्रोच से पढ़ेंगे अभी सेम चीज़ हम कार्डिनल अप्रोच से पढ़ रहे हैं इसलिए इसके दो चैप्टर हो गए आपका यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर इंडिफरेंस कर सेम चीज़ बताएगा कंज्यूमर इक्लेवरियम बट वो एक ऑर्डिनल अप्रोच से बताएगा जहां पर कि हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में कि चलो भैया हम सब रैंक दे सकते हैं कि ज़्यादा आया कम आया तो उसके लिए भी सेम चीज़ के लिए एक चैप्टर और बना दिया ऑर्डिनल अप्रोच इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व जिससे नेक्स्ट चैप्टर होगा ठीक है तो ये कौन सा अप्रोच है कार्डिनल जिसमें हम काउंट कर सकते हैं ऑर्डिनल जिसको हम रैंक दे सकते हैं बट तो काउंट नहीं, नहीं नहीं।, नहीं कर सकते तो ये आपका कार्डिनल अप्रोच है यूटिलिटी मीन्स कार्डिनल अप्रोच समझाया बच्चे कंज्यूमर मतलब भाई कंज्यूमर समझदार होना चाहिए अगर एक मेंटली इल है मतलब कि वो उसका दिमाग पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है तो ऐसे लोगों को तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का कुछ समझ में नहीं आएगा वो खाता रहे खाता रहे खाता रहेगा क्लियर है।, है बच्चे तो ये कुछ एजेंशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अब एक्सप्लेन द कंज्यूमर ए इन केस ऑफ सिंगल कॉम्यूडिटी अब ये बिल्कुल फ़्रेश माइंड से इस टॉपिक को पढ़ने की नीड है आपको सही माइंड से बिल्कुल कि टेन फिफ्टीन या ट्वेंटी मिनट्स के अंदर ये टॉपिक नहीं होगा पूरा का पूरा चालीस मिनट का टॉपिक लेगा टॉपिक ब्रेक करेगा नेक्स्ट क्लास में जाएगा टॉपिक खराब हो जाएगा फिर नेक्स्ट क्लास में सेकेंड कॉमेटी मतलब कि दोनों कॉमेटी करवा दूंगा तो चीज़ें मैक्सिमम कवर हो जाएंगी आपकी सेकेंड क्लासेस से, नेक्स्ट क्लासेस में ठीक है बाकी जो उसके बाद सेकेंड क्लासेस थी जो फर्स्ट क्लास आपकी है वो आपके पास रिकॉर्डेड अवेलेबल है आप प्लीज़ फर्स्ट क्लास देख लें जो सेकेंड क्लास में जुड़े हैं तो आपका भी चैप्टर आपके अंडर में आ जाएगा फर्स्ट चैप्टर है आपका उसके बाद सेकेंड चैप्टर इंडिफरेंस कर पढ़ेंगे हम तो वो भी आपका जो है बहुत स्मूथली चलेगा ठीक है मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में